Hi guys, you are on Smile IS YouTube channel. Our tagline is Veer Bhoge Vasundhara means those who are hardworking and ambitious, they can achieve anything, whatever they want in their life. So this is the third lecture of Profit and Loss. First question is, ratio of cost price and selling price is 5 by 6. 5 by 6. Okay. So what is the, find the profit and loss percentage. What is the ratio CP upon SP? CP means cost price and SP means selling price. 5 by 6. So, आप यहाँ पे देख सकते हो, selling price ज़्यादा है, means profit हुआ है. कितने का हुआ है? एक का. So, profit percentage क्या हो जाएगा? Profit percentage equal 1 upon cost price क्या है? 5 into 100, so answer is 20%. Okay. Next question is, ratio of cost price and selling price is 8 by 7. Cost price upon selling price kitna hai? 8 by 7. So kya pucha? Find the profit and loss percentage. तो आप देख रहे हो कॉस्ट प्राइस से कम है सेलिंग प्राइस, मतलब यहाँ पे लॉस हुआ है. कितने का लॉस हुआ है? 1 का. सो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है? 8 इनटू 100 इक्वल 12, 1/2%. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4/6. कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस 4/6 है. तो यहाँ पे आप देखो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, सेलिंग प्राइस मींस प्रॉफिट हुआ है. कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2 का हुआ है. सो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? 2 upon CP, कॉस्ट प्राइस 4 इंटू 100 आ गया 50%. क्वेश्चन नंबर 4, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 8/6. कॉस्ट प्राइस सीपी, सेलिंग प्राइस एसपी इज 8/6. सो आप देखो कॉस्ट प्राइस से कम है सेलिंग प्राइस, ये कितना हो गया? ये 2 कम है. ओके. तो मींस 2 का लॉस हुआ है. तो लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा? 2 upon 8 into 100. सो 2 4 हो जाएगा, इट मींस 25% आ जाएगा. रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 11/6. कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इलेवन बाई सिक्स. सो आप देख रहे हो कॉस्ट प्राइस से बहुत कम है सेलिंग प्राइस, का मतलब लॉस हुआ है. कितने का लॉस हुआ है? 5. लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस परसेंटेज क्या होता है? 5 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया 11 into 100. सो इसका क्या आंसर आ जाएगा? ये 500 कर देंगे अपॉन 11 कर देंगे. सो 500 ये 11 4 जा 11 5 जा इसमें फिर यही 4 5. ओके. यहां तक आ जाएगा उसका आंसर. कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल.
find the profit and loss. Okay, so this is the question. So यहाँ पे इसको इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10, ओके 12 आर्टिकल इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, ओके सो दिस इज द इक्वेशन, ओके सो यहां पे क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस अपॉन एसपी हो गया, सो ये 10 अपॉन 2 हो गया, कितना यहां पे एसपी ज्यादा है, अपने प्रॉफिट हुआ है, सो यहां कितने का प्रॉफिट हुआ है, 2 का, सो प्रॉफिट 2 अपॉन 10 इंटू 100, 10 10 जा एंड स्पेंसर इज 20%, क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल, 21 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल, तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल 24 अपॉन 21, आप यहां देखो लॉस हो रहा है क्योंकि यहां पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से भी कम है, कितना कम है 3, सो लॉस क्या, लॉस कितना आ जाएगा 3% में, क्या इसको कितना निकल जाएगा, लॉस परसेंट ये हो जाएगा सीपी 24 into 100, ओके सो 3 8 आ जाएगा, सो 108 कितना हो जाता है 12 1/2%, ओके सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, सो सीपी अपॉन एसपी इक्वल 10 इंटू 10 अपॉन 15, ओके सो यहाँ पे एसपी कितना ज्यादा है 5, तो 5 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, तो प्रॉफिट में निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 5 upon 10 into 100, ये 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 50%, ओके यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, सो कॉस्ट 45, कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आर्टिकल इक्वल टू 50 सेलिंग प्राइस, सो यहां पे कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस 50 अपॉन 45, आप यहां देख रहे हो लॉस हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस से भी कम बिका, तो क्या होगा 5, तो ये लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा, लॉस कितना आ जाएगा 5 upon 50 सीपी हो गया, तो ये इनटू 100 हो जाएगा, तो ये 5 एंड ये 10 हो जाएगा, तो आ जाएगा 10%, क्वेश्चन नंबर 10, ओके कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 98 आर्टिकल, सो सीपी अपॉन एसपी,
सो ये 98 हो गया अपॉन ये 100 आ गया। सो यहाँ पे आप देखो कि दो ज्यादा है तो दो का प्रॉफिट हुआ है। सो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 98 इंटू 100 हो गया। तो इसको पहले हम कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 49 आ जाए करीब करीब 2.04 के समथिंग आ जाए। ओके अब यहाँ पे बाई सेलिंग 10 आर्टिकल ए पर्सन गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ओके सो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा तो कैसे निकालेंगे, बाई सेलिंग 10 आर्टिकल, ओके सेलिंग बाई सेलिंग 10 आर्टिकल 10 SP इक्वल कॉस्ट प्राइस पे इन्होंने जीता है किया है तो कितना उन्होंने बेचा है 12 CP और गेन कितना किया है प्लस 2 CP। ओके यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस देख सकते हो तो 2 CP सो ये कितना हो जाएगा 10 SP इक्वल 12 CP SP अपॉन CP इक्वल 12 अपॉन 10। सो यहाँ पे कितना दो का अंतर है, CP से कितना ज्यादा है 2 तो दो का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन CP 10 इंटू 100 सो 25 सो आ जाएगा 20% इज ओके। बाय सेलिंग 33 आर्टिकल 33 SP ए पर्सन गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल ओके 33 CP गेन किया ओके गेन द एट कॉस्ट प्राइस लिखा है कितना है 11 प्लस 11 CP ओके क्योंकि जब उन्होंने 33 सेल किया है तो उसका कॉस्ट प्राइस भी तो होगा ओके इतने पे बेचे होंगे इनका जो प्रॉफिट हुआ है ये हुआ है ओके ये प्रॉफिट हुआ है ये तो बेचा गया है अब ये प्रॉफिट हो गया इसलिए हम यहाँ पे CP भी लिखे ओके सो 33 SP इक्वल 44 CP ओके SP अपॉन CP इक्वल 44 अपॉन 33 ओके सो एक क्या आ जाएगा 4 ये 3 आ जाएगा ओके अभी आप यहाँ देखोगे CP से एक ज्यादा है सो एक का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है 3 इंटू 100 ओके सो क्या आंसर आ जाएगा 33 1/3% ओके। क्वेश्चन नंबर 13 ओके बाई सेलिंग 24 आर्टिकल ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 SP ए पर्सन लॉस कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल ओके तो 24 तो CP माइनस यहाँ पे आप देख रहे हो लॉस हुआ है उसको कितने का कितने आर्टिकल हुआ है 3 आर्टिकल हुआ 3 CP ओके और ये कॉस्ट प्राइस पे हुआ तो ये हो जाएगा
24 SP इक्वल, ये 3 इसमें माइनस हो जाएगा तो 21 CP हो जाएगा. ओके सो SP अपॉन CP 21 अपॉन 24. ओके सो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, क्या जाएगा 8 आ जाएगा. ओके सो आप देख रहे हो CP से कम है तो मतलब यहाँ पे लॉस हुआ है. कितने का लॉस हुआ है? 1 का. तो ये लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? 1 अपॉन CP कितना है? 8 into 100. सो क्या आंसर आ जाएगा? 12 1/2%. ओके 14 बाई सेलिंग 33 आर्टिकल. ए पर्सन लॉस कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल, फाइंड द लॉस परसेंटेज. सो 33 CP, क्योंकि बेचा तो इतना है ही, और कितने का उसको लॉस हुआ है यहाँ पे? 11 आर्टिकल का, और कॉस्ट प्राइस पे वो भी हुआ है आप देख सकते हैं. सो 11 CP. ओके सो 33 SP इक्वल 1122 CP. ओके सो SP अपॉन CP इक्वल 22 अपॉन 33. सो इधर आ गया 2, दिस इज 3. यहाँ पे आप देख रहे हो कॉस्ट प्राइस से कम है SP, मीन्स यहाँ लॉस हुआ है. सो लॉस जो हुआ है कितने का हुआ है? 1 का हुआ है. सो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? लॉस परसेंटेज हो जाएगा 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे? 3 है इनटू 100. सो ये कितना आ जाएगा? 33 1/3%. ओके क्वेश्चन, बाय सेलिंग 33 आर्टिकल ए पर्सन लॉस, पर्सन लॉस कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल, लॉस परसेंटेज, फाइंड द लॉस परसेंटेज. सो यहाँ पे हो गया 33 CP, इतना तो बेचा है, उसके अलावा माइनस कितने, इसको लॉस कितने हो रहा है? माइनस 22 को आर्टिकल ऑन कॉस्ट प्राइस. ओके सो तो यहाँ जाएगा 33 SP इक्वल 11 CP. सो SP अपॉन CP इक्वल 11 अपॉन 33. सो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 3. तो यहाँ पे CP से देख रहे हो CP से कम है सेलिंग, CP से कम है SP. सो यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है? 2 का हो रहा है. सो क्या हो जाएगा लॉस परसेंटेज? हो जाएगा 2 अपॉन, अब यहाँ पे कॉस्ट CP कितना है? 3 है इंटू 100 हो गया. सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 33 होता है 33, ये हो जाएगा 66% के करीब, 63 आ जाएगा, 66.66. ओके बाय सेलिंग 33 आर्टिकल 33 SP के पर्सन गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल, ए पर्सन गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल. ओके आप यहाँ देख रहे हो अभी हम लोग कॉस्ट प्राइस पे कर रहे थे, अभी ये क्या है? गेन कर रहा है सेलिंग प्राइस पे. ओके सो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा? 33 कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इतना बेचा है, प्लस उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 11 आर्टिकल ऑन सेलिंग प्राइस. ओके सो ये क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा. सो ये 22 SP हो जाएगा इक्वल 33 CP. सो SP अपॉन CP
इक्वल 33 अपॉन 22, सो ये क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का हो रहा है। सो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 100, सो ये हो जाएगा 50%। ओके, बाई सेलिंग 44 आर्टिकल परसेंट गेन। ओके, 44 आर्टिकल गेन्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, सो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है क्या होगा। सो 44 सेलिंग प्राइस, 44 सीपी गेन किया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा गेन। 4 आर्टिकल, 4 सेलिंग प्राइस बोला है, सो इधर आ जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। 44 सीपी हो जाएगा, सो ये एसपी अपॉन सीपी 44 40। ओके, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 11 आ जाएगा एंड 4 10 आ जाएगा। सो यहाँ पे कितना ज्यादा है, ये एक ज्यादा है तो एक का प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 1 अपॉन सीपी 10 इंटू 100, सो यह आ जाएगा 10%। ओके, बाई सेलिंग 33 आर्टिकल, ए पर्सन लॉस, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल। ओके, 33 सीपी, कितने का लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है 11 आर्टिकल। ओके, और लॉस परसेंटेज, सो 11 एस पी, अभी इधर जाके जुड़ जाएगा तो 33 44 हो जाएगा, 44 एस पी इक्वल 33 सीपी, सो एस पी अपॉन सीपी इक्वल 33 अपॉन 44। ओके, सो इसको कैंसिल, 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हो कॉस्ट प्राइस से कम है सेलिंग प्राइस, तो कितने का लॉस हुआ, एक का। सो लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा, लॉस परसेंटेज हो जाएगा 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस का 4 इंटू 100। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 25। ओके, 25% आ जाएगा। बाई सेलिंग 55 आर्टिकल, ए पर्सन लॉस, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। ओके, फाइंड द लॉस परसेंटेज, सो क्या क्वेश्चन बनेगा, 55 सेलिंग प्राइस, 55 सीपी एंड लॉस किया है तो -5 एसपी, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर लॉस किया है, तो इसको इधर ले आ देंगे तो क्या हो जाएगा, 55 सीपी, सो एसपी अपॉन सीपी इक्वल 55 अपॉन 50, सो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। ओके, आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे लॉस परसेंटेज नहीं आएगा क्योंकि, सॉरी सॉरी सॉरी, आई डिड मिस्टेक, ये जो इधर जाएगा तो ये प्लस में होगा ना, तो ये 60 आएगा, सॉरी। ओके, माय मिस्टेक, आई अंडरस्टैंड, एंड ये 60 हो जाएगा, तो ये जो नीचे आएगा तो ये 60 आ जाएगा,
दिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 5 11 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 15। ओके, 5 5 1 5 एंड 5 2 जा ये आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कितने का, क्योंकि CP 12 है और सेलिंग प्राइस 1 है, तो यहाँ पे कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। सो लॉस परसेंटेज हो जाएगा 1 अपॉन सेलिंग प्राइस 12 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ये 12 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 1/3% हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव एन आइडिया, आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।